हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे स्मार्ट स्टडी अमन यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए शिक्षा निदेशालय से आपको दी जाने वाली बख्शी नंबर 2 जो कि क्लास 7 की, विषय आपका हिंदी है। डेट आपकी 14/7/2021 है और यहां पे आप अपने टीचर का नाम लिख लेंगे और यहां पे आप अपना नाम लिख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आपकी बख्शी। शुरू करने से पहले प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाएं, आपकी हर वर्कशीट की वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम इस श्री हर्षित राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता आ रही है रवि की, देखो क्या कह रहा है, रचित आ रही है रवि की सवारी को समझेंगे। नव किरण का सजा है कुली कुसुम में पथ सजा है, बदलों से अनुचारों ने स्वर के पोशाकों धारी आ रही है रवि की सवारी। विवाह विघग बंदी और चरण गा रहे कीर्ति गायन छोड़कर मैदान भागी तारों के फौजी सारी आ रही है रवि की सवारी। तो फ्रेंड्स, हमें एक पोयम दी गई है सूरज पे और चलिए इसकी जो हमें ये भी दिया गया, तो चलिए हम इसको बाद में करेंगे, पर चलिए करते हैं इनके क्वेश्चन आंसर। इधर सबसे पहले आइए हम जानने इन समझो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए देखते हैं, सोने की पोशाक किसने पहनी थी। तो इसका राइट आंसर हमारा फ्रेंड्स किसने पहनी थी ये देखते हैं हम। एक मिनट बच्चों, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हमारा बादलों ने, क्योंकि बादलों ने ही पहनी थी ना फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रशंसा में कृति गायन कौन गा रहा था। चलिए करते हैं इसका आंसर। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हम फ्रेंड्स आप यहां से भी लिख लेंगे, पक्षी रूप बंदी और अनेक सेवक उसकी प्रशंसा की गीत गा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखेंगे। नेक्स्ट हमारा, रात का राजा भिखारी बनकर क्यों खड़ा रहा। तो चलिए देखिए, रात के अंधेरे को सूर्य अपनी किरणों से दूर रहता है ना, तो उसी को इसलिए वो रात का राजा भिखारी बना। अब फिर ये आगे लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो फ्रेंड्स हम यहाँ से लिख लेंगे भ्रस्कर, सूरज और दिनकर लिख लेंगे, है ना। अब देखिए, हमने 5th क्वेश्चन ये विलोम शब्द लिखिए, तो मैं इसमें लिखा गया है रात का हमारा आ जाएगा दिन और अंधेरा का रोशन। देखिए 3rd क्या है, सोचकर लिखिए, अगर यदि सूर्य ना होता तो क्या होता, तो इससे हमारी सूर्य नहीं होता तो हमारी धरती पे जो जीव जंतु रहते वो नहीं होते, जो हमारे पेड़ पौधे होते अपना खाना बनाते धूप से वो नहीं होता, पूरी धरती नष्ट हो जाती। तो चलिए लिखते हैं इसका आंसर। तो सूरज के बिना धरती पर जीवन नहीं होगा, पेड़ पौधे सूरज की ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, सूरज नहीं होगा तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, और यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सभी जीव का जीव है ना मुमकिन है। तो ओके फ्रेंड, तो हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है अपनी, ये वर्कशीट कंप्लीट करके टीचर से चेक करवाई, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि आपकी हर वर्कशीट की फोटो वीडियो आपको जल्दी से जल्दी आपके फ़ोन में मिले, और कॉमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वर्कशीट के मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।